दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं, जो 14 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। इससे पहले मैंने 28 शिफ्ट का रीजनिंग का सोल्यूशन करा दिया है, जो जीडी 2021 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई। तो आप लोग उस सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जीडी 2022 के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बची, बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि जीडी 2021 में 20 क्वेश्चन ही दिया जाएगा, आप उस सभी क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, उन बॉक्स का चयन कीजिए जिन्हें निम्नांकित सीट को रेखाओं को मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लगभग हर शिफ्ट में किया था। देखिए, 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 के विपरीत यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 4 का विपरीत यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक दूसरे के विपरीत वाले जो संख्या है वो किसी भी घन पर नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया एक दूसरे के विपरीत वाले, तो वो नहीं बनाया जा सकता। अगर यहाँ पर देखें हम 3 और 6, 5 देख लेते हैं, 3 और 5 जो इसमें आया होगा वो नहीं बनेगा। फर्स्ट में देखिए, 3 और 5 इसमें नहीं आएगी, बनेगा। इसमें देखिए, ये भी बन सकता है, मान के चलिए यहाँ पर ये भी बन सकता है। यहाँ पर लिखिए, देखिए 3 और 5 यहाँ पर दिया हुआ, यानी कि ऊपर में देखिए 3 और 5 हमने बताया जो आएगा वो नहीं बनेगा, यानी कि 4th D ऑप्शन ये नहीं बन सकता। आप चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 6 और 1 से चेक कर लेते हैं। देखिए 6 और 1 जिसमें आएगा वो नहीं बनेगा। तो देखिए फर्स्ट में यानी कि बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। उसके बाद हम चेक करेंगे कौन से, हम उसके बाद चेक करेंगे लास्ट वाला कौन है। यहाँ पर देखिए 4 और 2 है, यानी कि 4 2 चेक करेंगे, इसमें भी ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इसमें 4 2 आ गया, यानी कि ये नहीं बनेगा। और C और D नहीं बनेगा, कौन बनेगा, A और B सिर्फ बनेगा। तो देखिए ऑप्शन में A और B यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया हुआ, नीचे D दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल A नहीं होगा, यहाँ पर A और B दोनों होगा। ये गलत ऑप्शन आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रोटेक्शन को इस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन को P से यहाँ पर देखिए Q+1 हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पर R से Q कितना हुआ है, -1 हुआ। उसके बाद देखिए O से यहाँ पर P+1, यहाँ पर +1 और -1 हुआ है सभी में। तो उसके बाद यहाँ पर +1 फिर -1, तो उसी प्रकार हम इस वाले में एब्सोल्यूटली में इसमें कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो A से हम +1 करेंगे तो B हो जाएगा, और B से माइनस करेंगे तो A हो जाएगा, उसके बाद S से प्लस करेंगे तो T हो जाएगा, और O से 1 माइनस करेंगे तो N हो जाएगा। यानी कि इतना से अगर चेक करते हैं BATN, देखिए BATN इसमें दिया हुआ, लेकिन इसमें देखिए BOTM दिया, यानी कि M नहीं होगा, यहाँ पर N आ जाएगी, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इतना ही से चेक करने के बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। देखिए, एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्रिक और जोहर, यानी कि 4 व्यक्ति हैं, एक टीवी देख रहे हैं। याग्रिक जौहर के बाईं ओर, यानी कि याग्रिक जो है जौहर के बाईं, यानी कि जौहर के बाईं ओर कौन है, याग्रिक है। उसके बाद देखिए कहा गया है जो विल्सन के बाईं ओर है, यानी कि जो यहाँ पर जौहर जो है विल्सन के बाईं, यानी कि विल्सन के बाईं ओर जौहर हो गया। उसके बाद देखिए याग्रिक, यहाँ पर याग्रिक होना चाहिए, यहाँ पर छूट गया है, याग्रिक के बाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि याग्रिक के बाईं ओर। उसके बाद यहाँ यदि वह पंक्ति किसी भी छोर पर, यानी याग्रिक जो है ये वाला पार्ट ये किसी भी छोर पर नहीं है, यानी कि इससे पहले कोई होगा, यानी कि इस पर क्या हो जाएगा, पीटर हो जाएगा, क्योंकि यही छूटा हुआ है, यानी याग्रिक से पहले कौन हो जाएगा, पीटर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति A, B, C, D और E एक पंचभुजाकार मेज के एक कोने पर बैठे हैं। तब मैं पंचभुज बना लेते हैं पहले, तो यहाँ पर देखिए पंचभुज हो गया। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए सी जो है ए के दाएं, यानी अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर सी जो है ए के दाएं ओर बैठा है, दाएं ओर, यानी कि यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर और डी के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि डी के बाएं, डी यहाँ मान लेते तो डी के बाएं इस तरफ दूसरे स्थान, यानी एक स्थान ये और दूसरा स्थान पर सी हो गया। उसके बाद देखिए ई जो है ए और डी के बीच में नहीं बैठा है, ई जो यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर बैठ जाएगा ई, और इसमें कौन सा बच गया, यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया, ई के बाएं और तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो ई के बाएं इस तरह हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्थान पर कौन हो जाएगा, बी हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज के बाद यहाँ पर इस बॉक्स में कैसा आकृति है। अगर यहाँ पर देखिए जो बॉक्स दिया हुआ इस वाले पार्ट में, देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, यानी कि इस तरफ घूम रहा है, एक एक पंक्ति में घूम रहा है। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, उसके बाद देखिए ये यहाँ पर लेट गया सेकंड वाले में, और ये इसके बाद ऊपर चला गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट में यहाँ पर आएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आगे आ गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड में आ गया, और यहाँ पर थर्ड में आ गया, उसके बाद यहाँ पर फोर्थ में चला गया, तो यहाँ पर किस यहाँ पर आने के बाद यहाँ 5th में चला जाएगा। तो उसी प्रकार ऑप्शन में देखिए यहाँ पर फर्स्ट यहाँ लास्ट में दिया गया, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड में देखिए ये नीचे दे दिया, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड वाला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों देखिए मैच कर रहा है, यहाँ पर भी 5वें स्थान पर और यहाँ भी 5वें स्थान पर, लेकिन इस वाले पार्ट देखिए ये जो है क्लॉक वाइज घूम रहा है, यानी कि इसका पार्ट जो है ये बिल्कुल इस तरफ है, क्योंकि ऊपर में ऐसा ही घूमेगा, इस तरफ ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, और ये वाला पार्ट एंटी क्लॉक, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए, एक कक्षा में 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है। उसके बाद देखिए, यदि यह संख्या कुल लड़कों की संख्या के 4/5 है, यानी कि 48 संख्या जो है कुल लड़कों के 4/5 संख्या, यानी कि 4 के वैल्यू कितना है 48, यानी कि 5 के वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो, यानी कि यहाँ 12 से मल्टीप्लाई होते हैं, 5 के वैल्यू कितना हो जाएगा 60। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद बोला गया और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का 3/4, यानी कुल छात्र जो ये 60 है, कुल छात्रों की संख्या का 3/4, यानी छात्रों की लड़कों की संख्या जो आया ये 60 3/4 है कुल लड़कों के, यानी कि 3/4 इस प्रकार, और 3 के वैल्यू कितना हो जाएगा 60, यानी कि 20 गुना है, तो 4 के वैल्यू कितना हो जाएगा 80, और 80 में से 60 लड़कों घटा देंगे तो कितना लड़की आ जाएगा 20 लड़की, यानी कि गर्ल्स जो है 20 आ जाएगा।
देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है, यदि संख्या कुल लड़कों की संख्या के 4/5 यानी 48 जो है कुल लड़कों के 4/5 यानी 4 के वैल्यू 48 यानी कि 12 गुना हो गया, तो 5 के वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया, यानी कि टोटल लड़के कितना हो गए 60 यानी कि बॉयज हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है और जो सभी कुल छात्रों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/4 यानी कि 60 के वैल्यू, इसके बाद 3 का 3 यानी कि 20 गुना है, तो 4 के वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया छात्र 80 हो गया, 80 में से 60 बॉयज घटा देंगे तो कितना यानी कि यहाँ पर देखिए 20 गर्ल्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का अर्थ जोड़ गुना दिया गया है, बी का अर्थ भाग दिया गया, सी का घटाव और डी का अर्थ जोड़ दिया, तो इसी समीकरण को यहाँ सभी को साइन को चेंज करना है और सॉल्व करना है। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 5 मतलब 1 हो गया, 55 गुना 55 कितना हो गया 55 ही हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 माइनस कर देंगे 55 में से तो कितना हो गया 50, और 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। एकदम ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किस ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखे तो देखिए यहाँ पर आकृति जो है यहाँ पर देखिए ये बीच में यहाँ पर कोई भी फिट नहीं, यानी कि इस तरफ ये मुड़ ही नहीं रहा है, तो यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए अगर यहाँ पर देखिए इस वाले आकृति को देखें तो यहाँ पर देखिए ये मुड़ गया और इसके बाद जस्ट यहाँ पर देखिए इस प्रकार ये मुड़कर या नीचे आ गया, यानी कि देखिए बिल्कुल ये फिट हो रहा है, ये वाला आकृति बिल्कुल फिट हो रहा है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन आरेख का क्वेश्चन, देखिए समुद्री जीव जंतु झींगा और वॉलरस, यानी समुद्री जीव जंतु में कौन कौन आ जाएगा, झींगा भी समुद्री जीव है और वॉलरस भी एक समुद्री जीव है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन, देखिए एफ से सी कितना हुआ -3 हुआ, जे से यहाँ पर जी कितना हुआ -3 हुआ, एन से के कितना हुआ -3, आर से वो कितना हुआ, यानी कि सभी में -3 करके यहाँ इतना आंसर आ गया, यानी कि उसी प्रकार देखिए ये जो है ऑप्शन अगर इन सभी में से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। आई से माइनस कर देंगे देखिए 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा एफ जी एच आई होता है यहाँ पर देखिए, यानी कि पहले एफ होगा, उसके बाद हम देखिए एम से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जे हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्यू से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, एन ओ पी क्यू होता है, उसी प्रकार देखिए यू से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यू से 3 माइनस कर देंगे तो आर हो जाएगा, क्योंकि एस टी यू यानी कि 3 होता है, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया, देखिए एफ जे एन आर, यानी कि यहाँ पर देखिए एफ जे यहाँ पर एन आर देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन एम दिया हुआ है, यानी कि ये भी गलत दिए और लेकिन लेकिन ऑप्शन आंसर दिया हुआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यानी कि बिल्कुल गलत दिया हुआ, यानी कि ये इसको चैलेंज करने वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर सिर्फ एफ जे एन आर ही होगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देखिए कुछ दंत चिकित्सक जो है सर्जन, कुछ दंत चिकित्सक यानी कि दंत चिकित्सक यानी डी सी हम लिख लेते हैं, सर्जन यानी कि कुछ सर्जन यानी कि एस से सर्जन लिख लिया, उसके बाद देखिए सभी सर्जन डॉक्टर यानी कि सभी सर्जन वाला पार्ट जो है ये डॉक्टर यानी कि डी से हम इसको डिनोट करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर है, यानी कि कुछ दंत चिकित्सक यानी कि ये वाला पार्ट जो है डॉक्टर, यानी कि बिल्कुल आ रहा है इसके अंदर में आ रहा है थोड़ा सा पार्ट, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं, कोई भी सर्जन जो है दंत चिकित्सक ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्जन वाला पार्ट जो पहले ही ऑप्शन में ऊपर में बोला गया है सभी सर्जन डॉक्टर है, कुछ दंत चिकित्सक सर्जन यानी कि कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर के बारे में बोला गया, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर निष्कर्ष गलत यानी कि निष्कर्ष गलत है, यानी कि केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए दर्पण का सही प्रतिबिंब बताना है, देखिए दर्पण यानी इसके दाईं तरफ रखने के बाद प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एफ वाला पार्ट जो इस तरह बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए फर्स्ट में एफ वाला पार्ट जो इस प्रकार दिया हुआ इसी प्रकार इधर दिया हुआ, यानी कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर इस प्रकार आया भी तो यहाँ पर देखिए पलट गया नीचे चला गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा रहना चाहिए था, इस प्रकार यहाँ पर सीधा होना चाहिए इस प्रकार, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए थर्ड में भी यहाँ पर तो एफ इस प्रकार सही दिया हुआ है, लेकिन और फोर्थ में भी ऐसा दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी एरो इस प्रकार यानी कि दोनों में सेम है, लेकिन ब्लैक वाला पार्ट में यहाँ देखिए ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पर गलत दिया हुआ, यानी कि नीचे ब्लैक वाला पार्ट एक नीचे होना चाहिए था, यानी कि फोर्थ में बिल्कुल सही दिया हुआ, थर्ड गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना, तो देखिए इस रो में देखिए 3 और 4 दिया हुआ है, यानी 3 और 4 चेक करेंगे, देखिए दोनों में सी ओ यू दिया हुआ है, उसको देखिए इसमें एन और इसमें आर दिया हुआ और इसमें एन दिया हुआ, तो पहले एन वाला पार्ट है यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में 5 और 2 दिया हुआ, 5 और 2 चेक कर देंगे, 5 और 2 देखिए दोनों में सी ओ यू उसके बाद आर और उसके बाद देखिए यहाँ पर ए दिया और यहाँ पर एस दिया, यानी कि पहले ए वाला पार्ट होगा, यानी कि 4 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इससे थर्ड में देखिए 2 और 5 दिया, यानी कि 2 5 तो चेक हो चुका, यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस रो में देखिए 3 और 1 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 चेक कर 3 और 1 चेक कर लेंगे, देखिए दोनों में सी ओ यू आर दिया हुआ और उसके बाद देखिए यहाँ पर टी और इसमें देखिए टी के बाद यहाँ कुछ नहीं है, टी के बाद यहाँ पर बहुत सारा दिया, यानी कि पहले इतने 1 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 1 उसके बाद 3, यानी कि 4 5 2 1 3 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई के किससे होगा, धागा से होगा, क्योंकि देखिए कलम का में क्या रहता है, स्याही रहता है, तो सुई में क्या रहता है, धागा रहता है, यानी कि धागा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको फिल करना है, इस वाले पार्ट में क्या आएगा, देखिए अगर यहाँ पर देखे देखिए 9 8 से यहाँ पर 43 किस प्रकार, देखिए ज़्यादा वाले सीरीज की तरफ जाने का कोशिश करते हैं, देखिए 9 8 से 43, अगर 9 8 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 51 और 51 में से हम यहाँ पर 8 माइनस कर देते हैं, क्या 8 यानी कि सेकेंड वाला पार्ट जो है यानी कि 8 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 43 बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसी प्रकार हम इसका भी सेकेंड में ऐसा ही किया गया है, दोनों को जोड़ दिया 10 12 10 22 हो गया 22 66 हो गया, 66 में से 12 माइनस कर दिया तो 54 आ गया। उसी प्रकार हम 13 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएंगे, 27 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और 81 में से हमें 14 घटा देना, यानी कि 14 घटा देंगे कितना हो गया 11 में से 7 किया 4 के 7 हो गया, उसके बाद बच के 7 7 में से 6 यानी कि 67 ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक से मोटिवेशन मिलता है, आगे के कंटेंट बनाने में मदद मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंगर को इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर गोल और ली को इस प्रकार लिखा गया है, तो फ्ली एक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर डोडो को यहाँ पर देखिए तीन और इसमें छः लेटर यहाँ पर, लेकिन चार ही बताया गया। अगर देखिए हम एस आई ओन को तीन को जोड़ देंगे और जे ई आर को भी तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या 42 और 30 आता है। देखिए एस का कितना होता है कोडिंग ग्रुप में, 19 होता है 19, और आई का 9, उसी प्रकार यहाँ पर एन का 14 होता है। इन सभी को जोड़ने के बाद 42 आना चाहिए। देखिए 9 4 13 और 9 कितना हो गया 22 के 2, हासिल कितना आ गया 2 1 3 और 1, यानी कि 42 बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार देखिए फ्लेक्सन में भी हम तीनों पहले तीन डिजिट और लास्ट तीन डिजिट को ऐड करेंगे, तो एफ का कितना होता है 6 12 18 5 23 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स का 24 5 29 29 और 14 कितना हो गया 43, यानी कि 23 43 बिल्कुल सही हो, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन, देखिए 30 से 41 कितना हुआ, यहाँ पर 11 प्लस 11 ऐड हुआ। उसके बाद देखिए 41 से 57 कितना हुआ, प्लस 16 हुआ। उसके बाद आगे देखिए 57 से 48 कितना हुआ, प्लस 21 हुआ। उसी प्रकार इस सीरीज को देखते देखिए 11 से 16 कितना हुआ, प्लस 5 हो रहा है। 16 से 21 कितना हो रहा है, प्लस 5 हो रहा है। तो 21 से हम प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी कि इसमें यानी कि 26 जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। उसके बाद देखिए 26 से 5 करेंगे तो 31 जुड़ रहा है, यानी कि बिल्कुल जुड़ रहा है। उस 31 में 5 जो ऐड कर देंगे यानी कि 36, यानी कि 135 से हम 36 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 171 बिल्कुल सही ऑप्शन है। यदि 135 में 136 ऐड करना है, यानी कि सभी में देखिए इस प्रकार सीरीज बनना है, उसमें सभी में प्लस 5 ऐड करते जाएंगे, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का कुछ, देखिए 28 से 14 कितना हुआ, डिवाइड 2 से हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिवाइड 2 से हो गया। उसके बाद देखिए 14, यहाँ पर 14 से 14 कितना हुआ, 14 गुना, यानी कि मल्टीप्लाई 1 से हुआ। उसके बाद देखिए 14 से 21 कितना हुआ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सीरीज जो है 1/2 और इसका देखिए मल्टीप्लाई और यहाँ पर उसी प्रकार हो रहा है। तो 21 से 42 कितना हुआ, यहाँ पर यहाँ देखिए 1.5 यानी कि यहाँ पर डिवाइड हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 से 42 कितना हुआ, मल्टीप्लाई 2 हो गया। अगर देखो इस सीरीज़ को तो आप इसे 1/2 भी मान सकते हैं, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 28 में यानी कि बिल्कुल 14 ही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0.5 जो है सभी में बढ़ रहा है, यानी वह यहाँ पर 1/2 से 1 कितना हो 0.5 बढ़ गया, यानी कि इसको 0.5 भी बोल सकते हैं 1/2 को। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 1.5 बढ़ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 2 ही बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, और 2 से यहाँ पर कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। यहाँ पर 2.5 का कितना हो जाएगा, 5/2 भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 42 से 105 कितना, यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इसे 5/2 भी बोल सकते हैं। उसके बाद कितना हो जाएगा, इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 105 × 3 कितना आ जाएगा, 315, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 78 से 87 किस प्रकार हुआ, 65 से 56 किस प्रकार, तो 43 का क्या होगा। अगर देखें तो 65 को यहाँ डिजिट को चेंज कर देंगे तो 56 हो गया, 78 का डिजिट को चेंज कर देंगे तो 87 हो गया, तो 43 का डिजिट को चेंज कर देंगे कितना हो जाएगा, 34 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन, देखिए ए से जी किस प्रकार हुआ, +6 हुआ। उसके बाद देखिए अब एफ से एल कितना हुआ, +6, यानी कि सभी में +6 करके आंसर आ गया। एस एक्स दिया हुआ, यानी कि इससे पहले यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें 6 ऐड करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ गया। एम से हम 6 ऐड करेंगे तो एस बिल्कुल सही है, आर से अगर हम 6 ऐड करेंगे तो एक्स बिल्कुल, यानी कि एम आर बिल्कुल सही दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक असंगत का चयन करना है, तो मेरे को ऐसा क्वेश्चन हमने बताया कि आपको लास्ट से चेक करना है कितना प्लस और कितना माइनस, इससे जल्दी आंसर आता है। देखिए यहाँ पर पी से है टी कितना हुआ, क्यू आर एस, यानी कि +4 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई से जे कितना है, एफ जी एच आई जे, यानी कि +5 है। उसके बाद देखिए वाई से डी +5 है, सी से एच +5 है, लेकिन यहाँ पर +4 दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज को क्रम में मोड़ने और खोलने के करने के बाद कैसा आकृति बनेगा, तो देखिए इस प्रकार ये फिगर इसमें पलट जाएगा और ये दोनों ऊपर पलट जाएगा, तो कैसा फिगर बन जाएगा। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर ये वाला फिगर जो है इस थोड़ा थोड़ा से पार्ट इस पर मुड़ेगा तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा बनेगा तो ऐसा बन जाएगा, और नीचे का दोनों में इस प्रकार नीचे ऐसा आ जाएगा, और ये दोनों पार्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर में ऐसा ऐसा बन जाएगा, और उसके बाद बीच में यहाँ पर डबल रेकरिंग ऐसा वाला पार्ट जो है डबल आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए फर्स्ट में, यानी कि 2 रेकरिंग यहाँ पर ऊपर में कटा है और 2 नीचे में कटा है, और बीच में देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट एक और यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एक ये बिल्कुल सही, यानी कि 2 इधर और 2 इधर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर कट नहीं दिया हुआ, यानी कि 2 नीचे और ऊपर, यानी कि गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग एक और क्वेश्चन, देखिए एन से एम कितना हुआ, -1 हुआ। ओ से एन कितना, -1 हुआ। उसके बाद आर से क्यू, यानी कि सभी में -1 कर देने के बाद आंसर आ जाएगा, तो सीरीज में -1 कर देंगे तो कितना आंसर आता है। देखिए एस से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। वाई से एक्स माइनस करेंगे तो एक्स हो जाएगा। डी से माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम डी एक्स, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए सभी को फिल करना है, तो इस प्रकार के सब ऐसा क्वेश्चन हमने हर शिफ्ट में किया, तो इसको डिजिट को पूरा काउंट करेंगे कितना है 15, तो 15 कितना हो जाएगा, 5 और 3 का पेयर बनेगा। तो पहले बड़े वाले से चेक करते हैं, देखिए यानी कि 3 1 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 4 5, आर लास्ट में आ रहा है, सभी में आर यहाँ पर भी लास्ट आर में यहाँ पर भी आ रहे हैं। देखिए आर से पहले यहाँ पर एक से, यानी कि यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में आर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए पी के बाद क्या, देखिए पी के बाद यहाँ पर देखिए पी के बाद तो किसी प्रकार नहीं देखेंगे, फर्स्ट किससे शुरुआत हो रहा है, डी से शुरुआत, यानी कि डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए और पी के बाद यहाँ पर देखिए एन है, यहाँ पर बिल्कुल एन है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। और एन के बाद एक, यानी कि यहाँ पर पी हो जाएगा, और यहाँ पर पी के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि एन से शुरुआत हो जाएगा, एन
आर पी एक्स डी और एन, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी को पेयर बनाना है, तो यहाँ पर 15 लेटर है, यानी कि 5 और 3 का पेयर बनेंगे, पहले बड़े वाले से चेक करेंगे और सभी को इक्वल करके फिल करने के बाद आंसर आ जाता है। यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, धीरज जो है संतोष का इकलौता पुत्र है, यानी कि धीरज, यानी कि धीरज को हम नीचे लिख लेते हैं, संतोष यानी कि संतोष का इकलौता पुत्र है, यानी कि इसको पुत्र को हम प्लस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि संतोष जो है उसको देखिए कहा गया है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि इसकी माँ की इकलौती पुत्री, संतोष की माँ की इकलौती पुत्री यानी कि पुत्री हो जाएगी। उसके बाद देखिए मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, मेरी माँ का धीरज से क्या संबंध है, यानी कि इसकी माँ का धीरज से क्या संबंध है, यानी कि इसकी माँ है और इसकी ये एम जो है नानी हो जाएगी, यानी नानी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी से रिलेटेड सीजीएल या सीजीएसएल एमटीएस सीपीयू कोई भी एग्जाम के से रिलेटेड प्रीवियस ईयर रीजनिंग के सोल्यूशन और स्टैटिक जीके प्रीवियस ईयर और एससीसी जीके 2018 से लेकर 22 तक सारे एग्जाम के पूछे गए जीके के क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।